हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम फुल घेर की फ्रॉक बनाएंगे, फुल घेर की लॉन्ग फ्रॉक बनाएंगे, जिसमें हमको जो कोटी बनानी है उसके लिए लेंथ चाहिए 16 इंच। लॉन्ग फ्रॉक बनाने के लिए हमको 5 मीटर फैब्रिक चाहिए, 16 इंच लेंथ लेकर हमने कट कर दिया। देन नेक के लिए हमको 2.5 पर निशान लगाना है एंड शोल्डर के लिए 3.5 पर निशान लगाना है। शोल्डर की जो लेंथ लेनी है हमको, वो हमको 6 इंच लेनी है और हमको गोलाई का निशान लगाना है। 9 इंच पर हमको यहाँ निशान लगाना है। देन जो हमारी कमर है वो 15 इंच है, 15 इंच का हाफ हम 7.5 इंच लेंगे। देन हमको फिटिंग का निशान लगाना है 2.5 पर। हमको नेक का निशान लगाकर लेंथ हमको 6 इंच लेनी है। फ्रंट नेक के लिए हमको 6 इंच पर निशान लगाना है। नेक की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो 6 इंच होगी। देन हमको कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। एंड बैक के लिए हमको 2.5 पर इंच पर निशान लगा के 4 इंच लेंथ लेनी है नेक की। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमने अस्तर लगा लिया है। नेक पर हम छोटे छोटे कैंची से कट लगाएंगे, जैसे कि जो हमारा अस्तर है, जो हम उसको सीधा करेंगे तो सुखड़ापन ना आए। देन हम स्टिच कर लेंगे नेक पर। हमने दोनों पार्टों पर अस्तर लगा लिया है। अब हम शोल्डर को अटैच कर देंगे, स्टिच कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। कटिंग करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई है वो हमको 10 इंच एंड जो लंबाई है वो 11 इंच लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं गाइस। पॉप वाली स्लीव्स बना रहे हैं। तो गाइस, ये इतना फैब्रिक हमको गैदर के लिए चाहिए जो हम चुने बनाएंगे। इसमें भी हमको 11 इंच की लंबाई एंड 1 इंच प्लस हमको मोड़ने के लिए चाहिए। सो हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने कट कर लिया है और दोनों साइड हमने कच्ची सिलाई लगा ली है, लंबी सिलाई। अब हम गैदर्स बनाएंगे। ये देखिए, गैदर्स बन के रेडी हो गई है। और जो हमारी स्लीव्स है, अब हम उसको अटैच कर देंगे। हम आगे से गैदर्स बनाएंगे अपनी कलाई के अकॉर्डिंग। अब हम आगे कफ लगा देंगे गाइस। अब इस तरीके से हम ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे, देन स्टिच कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी है। तो हम स्लीव्स को कोटी में अटैच कर देंगे। हम 18 इंच का निशान लगाएंगे और कमर पर 15 इंच का निशान लगानी है। निशान लगा कर हम फिटिंग का निशान लगा देंगे एंड मार्जिन हमको 1.5 इंच ले लेंगे। हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे इसमें। ये हमारी कोटी की फिटिंग हो गई है। हम कमर 15 इंच नापेंगे
7.5 इंच कमर थी हमारी, 8.5 इंच हमने कमर लिए, हाफ हाफ इंच इसमें दब जाएगा। घेरे के लिए हमको 3 लेयर लेनी है, जो फर्स्ट लेयर होगी वो हमारी 21 इंच की होगी और देन सेकेंड एंड थर्ड लेयर जो होगी हमारी वो 10 इंच की लेंगे हम। हमने अस्तर को दोनों साइड से स्टिच कर लिया है एंड नीचे से फोल्ड कर देंगे हम। ये हमने स्टिच कर लिया है, जो हमारा फ्रंट लेयर थी 21 इंच की उसमें हम गैदर्स बनाएंगे। ये देखिए कितना घेरा है। तो गाइस अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए ये तीनों जो कोटी में अटैच करना है कमर में, और ये देखिए कितनी खूबसूरत फ्रॉक तैयार हुई है बनकर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।